अब हम ज़ेनॉन के जो ऑक्साइड हैं उसकी संरचना के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे XeO3। ज़ेनॉन का परमाणु क्रमांक 54, 5s2, 5p6। अब यहाँ देखिए, ज़ेनॉन के चारों तरफ तीन ऑक्सीजन हैं, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखिए, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1, यानी दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑक्सीजन में। तो टोटल ऑक्सीजन परमाणु तीन है और एक ऑक्सीजन में दो अयुग्मित, तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 6। तो ज़ेनॉन के चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन के, जिसके साथ उसे बंध बनाना है। तो इस आधार पर ज़ेनॉन में उत्तेजन होगा। तो ज़ेनॉन में जब उत्तेजन होता है, तो उत्तेजन होने के बाद 5px, 5py और 5pz ज़ेनॉन का जो है, इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 5d में चले जाते हैं। अब ज़ेनॉन के साथ जब ये ज़ेनॉन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो इसमें ऑक्सीजन के साथ ये दो प्रकार से बॉन्ड बना सकता है, सिग्मा और पाई। तो संकरण में हम केवल सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करेंगे, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर जो संकरण है वो sp3 संकरण होता है। चार यहाँ संकरित कक्षक बने और जो तीन इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है वो ऑक्सीजन के 2pz के साथ पाई बॉन्ड बनाता है। ज़ेनॉन का जो ऑक्साइड बनता है, तो ज़ेनॉन के 5p में से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 5d में जाते हैं। तो 5p से तीन उत्तेजन होके 5d में चला गया इलेक्ट्रॉन, तीन बार उत्तेजन हुआ। और यहाँ तीन इलेक्ट्रॉन 5d में भी तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्डिंग होता है, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों प्रकार का बंध बनेगा, तो पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे संकरण में, यहाँ सिग्मा बॉन्ड को ही केवल काउंट करना है। तो जो संकरण होगा वो यहाँ पर sp3 संकरण होता है। तो sp3 संकरण से यहाँ चार संकरित कक्षक तो बने, एक उसमें से लोन पेयर है और तीन बॉन्ड पेयर है, और तीन जो और बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड की संख्या है, डी पाई पी पाई, यानी डबल बॉन्ड की जो संख्या है वो तीन होगी, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ, तीन ऑक्सीजन के साथ तीन प्रकार से ये पाई बॉन्ड बना सकते हैं। तीन वाई बॉन्ड, डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई और डी पाई पी पाई, इस प्रकार तीन बॉन्ड बनता है। तो ज़ेनॉन ट्राईऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होगा, XE केंद्रीय परमाणु, एक लोन पेयर और तीन यहाँ पर बॉन्ड है जो सिग्मा बॉन्ड है, और जो यहाँ और डबल बॉन्ड बना है ये पाई बॉन्ड को शो करते हैं। तीन ऑक्सीजन के साथ ये डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ चूंकि एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसकी संरचना चतुष्फल की नहीं होगी, बल्कि पिरामिडल शेप ये लिए हुए होता है, और इसकी संरचना विकृत हो गई VSEPR थ्योरी के आधार पर, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि एक लोन पेयर है, इसी लोन पेयर के कारण इसकी संरचना विकृत हो गई है। जैसा अमोनिया में होता है एक लोन पेयर के कारण पिरामिडल स्ट्रक्चर, वैसा ही इसमें दिखाई देता है। यदि हम XeO3 को और देखें कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो आपको दिखाई देगा कि XeO3 में टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 7 है, इलेक्ट्रॉन पेयर 7 है, जिसमें से लोन पेयर है 1, बॉन्ड पेयर है 6, लेकिन इस 6 बॉन्ड पेयर में से 3 सिग्मा बॉन्ड है बनाते हैं और 3 पाई बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इसे हम काउंट नहीं कर रहे हैं संकरण में। संकरण में केवल हम सिग्मा बॉन्डेड जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसी को काउंट करेंगे। अगली संरचना हम जानेंगे XeOF2 की, यानी ज़ेनॉन ऑक्सीडाइफ्लोराइड। ज़ेनॉन का जो उत्तेजन है वो डिपेंड करता है कि ज़ेनॉन के चारों तरफ कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो सबसे पहले आप उसी चीज़ को काउंट करेंगे। तो ज़ेनॉन के साथ ऑक्सीजन आया है जुड़ने के लिए और फ्लोरीन है, तो दो परमाणु हैं फ्लोरीन के, तो 2pz1, तो दो 2pz1 यानी दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और एक ऑक्सीजन में दो अयुग्मित होता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़ेनॉन के चारों तरफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 4, ऑक्सीजन का दो और दो फ्लोरीन का एक एक, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो ज़ेनॉन में दो बार उत्तेजन होगा, यानी ज़ेनॉन के
5pz और 5py से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 5d में एक एक करके चले जाते हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एक ऑक्सीजन है, जिसमें से एक ऑक्सीजन दो प्रकार का बॉन्ड बना सकता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड को ही केवल काउंट करेंगे। भले ही उत्तेजन होकर इलेक्ट्रॉन 5d में दो बार गया है, दो इलेक्ट्रॉन 5d में प्रेजेंट है, लेकिन संकरण यहाँ पर होगा sp3d। तो एक जो d का इलेक्ट्रॉन वहाँ दिखाई दे रहा है, वह ऑक्सीजन के p के साथ अतिव्यापित होता है। तो XeOF2 में एक dπ-pπ बॉन्ड होगा। तो इसकी जब संरचना हम देखेंगे तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 6 है, जिसमें से दो लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं और 4 बॉन्ड पेयर हैं। लेकिन 4 बॉन्ड पेयर है जिसमें फ्लोरीन जो है वो बंद बनाएगा, यहाँ 3 यहाँ पर सिग्मा बॉन्डेड होगा और एक पाई बॉन्डेड होता है। 4 बॉन्ड पेयर में से 3 सिग्मा बॉन्डेड होगा और एक पाई बॉन्ड के फॉर्म में होते हैं। तो इसकी संरचना जब हम देखेंगे तो एक dπ-pπ बॉन्डिंग शो करेंगे संरचना में। तो ज़ेनॉन केंद्रीय परमाणु, F एक F, दूसरा F नीचे, दो लोन पेयर, एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर, और ज़ेनॉन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं ऑक्सीजन के साथ। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, यानी टोटल यहाँ जब अतिव्यापन का जो प्रकार है वो होगा dπ-pπ। तो एक dπ-pπ बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है ज़ेनॉन और ऑक्सीजन के बीच। तो यहाँ हम देख रहे हैं दो लोन पेयर प्रेजेंट है। तो जो संकरण है वो sp3d संकरण है। जब sp3d संकरण होता है तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना होनी चाहिए, लेकिन विकृत होकर यह संरचना टी शेप्ड हो जाती है। अगला हम देखेंगे XeOF4। ज़ेनॉन यहाँ केंद्रीय परमाणु है, 5s2 5p6। अब ज़ेनॉन के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? फ्लोरीन 4 परमाणु, तो 2pz1 यानी 4 अयुग्मित फ्लोरीन के हो गए इलेक्ट्रॉन, 4 फ्लोरीन के 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन एक ही है तो 2, तो 4 और 2 6। तो ज़ेनॉन का जो ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड है, यहाँ पर ज़ेनॉन में 3 उत्तेजन कराएंगे। 3 उत्तेजन कराने पर 5px, 5py, 5pz में से एक एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 5d में चले जाते हैं। 3 बार उत्तेजन होगा तो टोटल ज़ेनॉन में अब 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट है, जिसमें से एक लोन पेयर है और 6 बॉन्ड पेयर है। अब यहाँ जो 6 बॉन्ड पेयर हैं, सभी को संकरण में काउंट नहीं करेंगे। इसमें से 5 सिग्मा बॉन्डेड होंगे, जिसे हम संकरण में काउंट करेंगे, और एक जो है वो पाई बॉन्डेड होगा। तो एक लोन पेयर है, 6 बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर को भी हम दो भाग में बांट रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्डेड और एक पाई बॉन्डेड। तो जो सिग्मा बॉन्डेड है वो 5 है और पाई बॉन्डेड यहाँ पर 1 है। तो एक dπ-pπ बॉन्ड यहाँ भी प्रेजेंट होगा। और इसकी संरचना वैसे तो sp3d3 संकरण के कारण होना चाहिए था पंचकोणीय द्विपिरामिडी, लेकिन इसकी संरचना वर्ग पिरामिडल हो जाती है। तो इसकी संरचना को आप देखिए, एक लोन पेयर प्रेजेंट है यहाँ पर, तो ज़ेनॉन केंद्रीय परमाणु, इसमें 4 फ्लोरीन 1 2 3 4, और एक लोन पेयर प्रेजेंट है ज़ेनॉन के नीचे, हम शो कर सकते हैं, ऊपर भी शो कर सकते हैं, और ऑक्सीजन के साथ ये dπ-pπ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो अब इसकी संरचना जो है वो इस तरह से वर्ग पिरामिडल संरचना होती है। अब हम देखेंगे ज़ेनॉन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड XeO2F2। तो ज़ेनॉन का परमाणु क्रमांक 54, 5s2 5p6, अब तक आप बहुत अच्छे से इसे जान चुके होंगे। ज़ेनॉन के चारों तरफ जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो हम काउंट करेंगे। तो एक ऑक्सीजन में टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है 2p y1 और 2p z1। तो जब दो ऑक्सीजन की बात होती है तो टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। फ्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अयुग्मित 2pz1 का, तो टोटल हो गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़ेनॉन के चारों तरफ 6।
अब यहाँ जो ज़ेनॉन में उत्तेजन होगा उसी प्रकार से होगा, यानी ज़ेनॉन से 3 बार इलेक्ट्रॉन 5px, 5px, 5py और 5pz में से एक एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 5d में चले गए। तो टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब यहाँ पर तो 6 हो गई, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर जो dπ-pπ बॉन्डिंग होगा 2 होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 7 है, जिसमें से बॉन्ड पेयर 6 है और एक लोन पेयर है। अब यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर 6 है उसमें से 2 π बॉन्ड बनाएगा और 4 σ बॉन्ड बनाते हैं, तो sp3d संकरण होगा यहाँ पर, जिसमें से एक लोन पेयर है, 4 bond बनेगा और यहाँ पर 4 जो बॉन्डिंग हुआ है वो सिग्मा बॉन्डेड है और 2 यहाँ पर पाई बॉन्डेड होते हैं। तो यहाँ पर जो संकरण है वो sp3d ही रहेगा, लेकिन संरचना इसकी विकृत हो गई। इसकी जो संरचना है वो हम dπ-pπ बॉन्डिंग और लोन पेयर के आधार पर देखेंगे। तो ज़ेनॉन केंद्रीय परमाणु, ज़ेनॉन के ऊपर एक फ्लोरीन, नीचे एक फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ये 2 बार जुड़ा हुआ है, 2 dπ-pπ बॉन्ड बना रहा है। ये dπ-pπ ऑक्सीजन के साथ, dπ-pπ ऑक्सीजन के साथ और इधर एक लोन पेयर को शो कर दिए। तो अब इसकी संरचना होनी चाहिए थी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, लेकिन VSEPR थ्योरी के आधार पर इसकी संरचना विकृत होकर सी सॉ लाइक हो जाती है। ज़ेनॉन के जो ऑक्सीफ्लोराइड है इसमें भी हमने भिन्न भिन्न प्रकार के संकरण dπ-pπ बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से समझा। ज़ेनॉन ट्राईऑक्साइड का जो नेचर है वो रंगहीन होता है, विस्फोटक प्रकृति का होता है और जल स्नेही होते हैं और ठोस होते हैं, जबकि ज़ेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड भी रंगहीन होता है, वाष्पशील द्रव होते हैं। अब हम अक्रिय गैसों के उपयोग के बारे में जानेंगे। अक्रिय गैस हमारे जीवन में बहुत अधिक उपयोगी है। कौन कौन सी गैसेस हैं इसकी जो बहुत ज़्यादा उपयोगी है हमारे लिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे हीलियम। हीलियम गैस हल्की होती है, इसका घनत्व वायु से भी कम होता है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, वो भी बहुत कम होता है। अज्वलनशील होती हैं, तो मौसम की जानकारी के लिए जो वेदर बेलून्स होते हैं उसमें भी हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। एयरशिप्स में भी हीलियम का प्रयोग होता है। और जो द्रव हीलियम होता है वो निम्न ताप पर संचालित बहुत सारे प्रयोगों में ये निम्न तापी कारक के रूप में भी कार्य करता है। द्रव हीलियम का जो प्रयोग है वो मेडिकल फील्ड में भी देखने को मिलता है, क्योंकि अतिचालक चुंबक को उत्पन्न करना और उसे बहुत समय तक बनाए रखना, इस तरह का नेचर इसमें होता है और इसी गुण का प्रयोग NMR स्पेक्ट्रोमीटर में किया जाता है। और जो आधुनिक चिकित्सा में बहुत अधिक उपयोगी है MRI, विभिन्न प्रकार के रोगों के निदान के लिए, उसका भी ये जो द्रव हीलियम है एक मुख्य अवयव की तरह उसमें भी कार्य करता है। गैस शीतित जो नाभिकीय रिएक्टर्स होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो गैस द्रव क्रोमेटोग्राफी है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में जो गोताखोर सिलेंडर लेकर समुद्र के नीचे जाते हैं तो उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम भरा जाने लगा है, क्योंकि हीलियम की जो विलेयता होती है वो रक्त में बहुत कम होती है। अगला हम जानेंगे नियॉन का प्रयोग। 1000 वोल्ट और 2 mm दाब पर नियॉन की नली से जब विद्युत विसर्जन कराया जाता है तो बहुत अधिक चमकदार नारंगी एक प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है, और इसी प्रतिदीप्ति के कारण, इसी प्रतिदीप्ति वाले गुण के कारण उसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के जो साइन बोर्ड होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड होते हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत जगह पे जो प्रदीप्त बल्ब होते हैं उसमें भी नियॉन का प्रयोग किया जाता है। नियॉन का प्रयोग ग्रीन हाउसेस में भी किया जाता है, क्योंकि ये पौधों की वृद्धि में भी सहायक है ऐसा पाया गया है, और क्लोरोफिल के निर्माण में भी ये सहायक होते हैं, इसलिए इसका प्रयोग हरित गृह में या ग्रीन हाउस में किया जाता है। ऑर्गन का उपयोग बहुत सारे जो
प्रयोगशाला में होने वाले प्रयोग हैं जहाँ पर अक्रिय वातावरण की आवश्यकता होती है, इनर्ट एटमॉस्फेयर की, तो ऑर्गन वहाँ पर दिया जाता है। तो कई जगह पे जो उच्च तापीय जो धातुकर्म प्रोसेस होते हैं यानी मेटलर्जिकल प्रोसेस होते हैं, वहाँ भी अक्रिय वातावरण की आवश्यकता होती है, तब भी ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है। ऑर्गन का प्रयोग धातुओं और उपधातुओं के वेल्डिंग में भी किया जाता है, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन सब के। विद्युत बल्बों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें लगा जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है, उसकी आयु को बढ़ाने के लिए जो बल्ब होते हैं उसमें ऑर्गन को भरा जाता है। कई जगह जो ट्यूबलाइट है उसकी जो प्रतिदीप्ति नलिका होती है उसमें भी ट्यूबलाइट में मरकरी वाष्प के साथ ऑर्गन को भरा जाता है। अब हम क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन के कुछ उपयोग को जानेंगे। तो ये उच्च वेग वाले जो फोटोग्राफी होते हैं वहाँ पर ज़ेनॉन या क्रिप्टॉन का प्रयोग होता है, और श्वसन तंत्र की जो ग्रंथियाँ होती हैं, श्वसन तंत्र की ग्रंथियों से रिलेटेड परीक्षण करने में, ट्रीटमेंट करने में ज़ेनॉन क्रिप्टॉन का यूज़ होता है। रेडॉन रेडियोधर्मी तत्व होता है, तो कैंसर के उपचार में, रेडियोथेरेपी में रेडॉन का बहुत अधिक उपयोग होता है। और रेडॉन रेडियोधर्मिता से रिलेटेड जितने भी शोध कार्य होते हैं वहाँ पर भी ये रेडॉन का उपयोग किया जाता है। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनकी आंतरिक संरचना को जानने के लिए भी रेडॉन का उपयोग किया जाता है। एक्सरे फोटोग्राफी जो होती है उसमें भी रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हमने जाना, जिसमें 15 ग्रुप से लेकर 18वें ग्रुप तक हमने पढ़ा। पी ब्लॉक से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, कुछ कारण बताओ वाले प्रश्न रहते हैं और कुछ बनाने की विधि भी आ सकती है एग्ज़ाम में, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधि या नाइट्रिक अम्ल अमोनिया बनाने की विधि। तो कुछ प्रयोगशाला विधि भी इम्पॉर्टेंट है और औद्योगिक विधि भी हमें जानना है। कुछ अणुओं की संरचना के बारे में भी हमें जानना है और उपयोग, और साथ ही क्या होता है जब टाइप के प्रश्न भी बन जाते हैं यहाँ पे। तो क्या होता है जब टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो या तो बनाने की विधि से संबंधित होंगे, किसी भी तत्व से संबंधित होगा या किसी यौगिक से संबंधित होगा या फिर उसके गुण से संबंधित होगा। तो जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो प्रश्न के रूप में तैयार करते हुए पढ़ेंगे, जिससे कि बनाने की विधि भी हो, संरचना भी हो और साथ ही साथ गुण भी हो। तो कई तरह के प्रश्न उसमें आ जाते हैं और बहुत सारे प्रश्न जो है एक दूसरे से रिलेटेड भी है। कारण बताओ वाले प्रश्न काफ़ी सारे एक जैसे होते हैं, तो आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उस उत्कृष्ट गैस स्पीशीज का सूत्र देकर संरचना की व्याख्या कीजिए जो इसके साथ समसंरचनीय है, अर्थात नीचे दिए गए जितने भी उदाहरण हैं इसके जो समसंरचनीय है उसका भी उदाहरण आपको देना है। तो सबसे पहले हम लेंगे ICl4-, यह किसके साथ समसंरचनीय है ये हम देखेंगे। तो ICl4- में पहले हम काउंट करेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आई यानी हेलोजन परिवार, सीएल भी हेलोजन परिवार का ही सदस्य है, तो इसके दोनों के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयोडीन 7 प्लस क्लोरीन के परमाणु यहाँ पे 4 हैं, तो 4 × 7 = 1, क्योंकि एक माइनस चार्ज लगा हुआ है, तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन होगा 36। जबकि ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट करेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को काउंट करेंगे, केवल बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही काउंट करना है। ज़ेनॉन का 8 अक्रिय गैस है, प्लस ज़ेनॉन का 8 यह उत्कृष्ट गैस है, प्लस फ्लोरीन हेलोजन परमाणु बाह्यतम कोश में 7, तो 7 × 4, तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन है 36 इलेक्ट्रॉन। ICl4- में केंद्रीय परमाणु आयोडीन में 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक साथ है और प्लस एक इलेक्ट्रॉन माइनस फॉर्म में यहाँ पे प्लस 1 हो रहा है। इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ साझा करते हैं और बाकी बचे इलेक्ट्रॉन अर्थात 2 यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की तरह कार्य करते हैं। तो आयन की संरचना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण के कारण विकृत वर्ग समतली हो जाती है यहाँ पर,
और HCF4 की समसंरचनीय होती है। HCF4 की संरचना में भी हम यही देखते हैं कि उसमें भी sp3d2 संकरण होता है, संरचना अष्टफलकीय होनी चाहिए लेकिन उसकी संरचना विकृत हो जाती है। अगला है IBr2- की संरचना। IBr2- HCF2 के समसंरचनी होता है। दोनों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की गणना पहले हम करेंगे। आयोडीन 7 प्लस ब्रोमीन बाह्यतम कोश में 7×2 और एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 22। HCF2 में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या Xe में 8 प्लस फ्लोरीन में 7×2, तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 22। IBr2- में आयोडीन में 7+1, मतलब यहाँ भी आयोडीन के बाह्यतम कोश में 7 और एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के 2 परमाणु के साथ साझा कर रहा है, लेकिन बचे हुए जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वह यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। आयन की संरचना, यहाँ जो संकरण है वह sp3d संकरण होता है और होना चाहिए था त्रिकोणीय द्विपिरामिड ही संरचना, लेकिन यह संरचना विकृत होकर रेखीय हो जाती है। अर्थात IBr2- की संरचना HCF2 के समसंरचनी होगी। VSEPR थ्योरी के द्वारा भी हम इसे समझ सकते हैं कि 3 लोन पेयर के कारण इसकी संरचना विकृत होकर रेखीय हो जाती है। अगला है BrO3-। BrO3- HCO3 के समसंरचनी होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम पहले काउंट करेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। ब्रोमीन बाह्यतम कोश में 7+, ऑक्सीजन 6×3, तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और चूंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 26। HCO3 में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़ेनॉन बाह्यतम कोश में 8 प्लस ऑक्सीजन बाह्यतम कोश में 6×3, क्योंकि ऑक्सीजन 3 है यहाँ पर। जब इसे हम हल करेंगे तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 26। BrO3- में ब्रोमीन के 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन में से 8 इसलिए क्योंकि ब्रोमीन के बाह्यतम कोश में 7 और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो टोटल 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन परमाणु के साथ ब्रोमीन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन रहा है, और तीसरा जो ऑक्सीजन परमाणु है वह बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन में से देता है। इससे इन पर निगेटिव चार्ज आ जाते हैं और बचे हुए जो 2 इलेक्ट्रॉन है वह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं। तो यहाँ आयन की जो आकृति है वह पिरामिडी हो जाती है, जैसे कि HCO3 में होता है। HCO3 में भी sp3 संकरण है, चतुष्फल की संरचना होनी चाहिए थी लेकिन एक लोन पेयर के कारण इसकी संरचना विकृत होकर पिरामिडल हो जाती है।